हेलो फ्रेंड, मैं अवंतिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अवंतिका गार्डनिंग टिप्स पे। आज की वीडियो में हम बताएंगे जीनिया के पौधे के बारे में, इसको कैसे लगाएं, कौन सी मिट्टी में इसको लगाएं और कैसा पॉट का साइज़ होना चाहिए और कैसे केयर करनी है। तो सारी जानकारी देंगे, देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। तो देखिए, ये जीनिया के पौधे हैं और बहुत प्यारे कलर हैं। ये देखिए, ये डॉर्फ वैरायटी का है और ये देखिए, ये हमने चार पौधे मंगाए हुए हैं नर्सरी से। ये ऑरेंज कलर का है, ये देखिए, बहुत हेल्दी पौधे हैं। तो आप जब भी कोई पौधा खरीदें उसकी ग्रोथ पे विशेष ध्यान दीजिए। जितनी अच्छी ग्रोथ होगी पौधा, उतना अच्छा हमारे यहाँ सर्वाइव कर पाएगा। और ये देखिए, ये हमने पॉट लिए हैं जो कि 8 इंच के हैं और ये मिट्टी हमारी पुराने गमलों की है, जो हमने पहले मिट्टी में पौधे लगाए थे वही मिट्टी है। बस इसमें हम थोड़ी सी खाद दोबारा से मिला करके यही अपने पौधों के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने मिट्टी में क्या मिलाया है, मिट्टी में है गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी सरसों की खली। गर्मियां हैं तो सरसों की खली बहुत थोड़ी डालेंगे, 50 ग्राम के आसपास, नहीं तो नहीं भी डालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये देखिए इस पौधे को निकाल लिए हैं और पहले से थोड़ी थोड़ी गमले में मिट्टी भर रखी थी। ये देखिए, बीज के सेंटर में इसको लगाएंगे। इस तरीके से जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको पहले नीचे से साफ कर लेना चाहिए, जैसे कोई पत्ते सूखे हों या टहनी सूखी हो तो उनको साफ कर लीजिए, क्योंकि वो अगर रहते हैं तो हमारे पौधे पे फंगस लगाते हैं। जीनिया के पौधे को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो ये पौधे को खराब कर देगी, क्योंकि जो पानी नहीं देंगे 2 दिन, कभी कभी क्या होता है हम 1 दिन छोड़ के पानी देते हैं, तो ये जीनिया के पौधे के लिए ऐसा नहीं है। इसको डेली पानी चाहिए। और पानी देने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से पानी भरा रहना चाहिए, पानी इतना देना है कि मिट्टी नम रहे, मिट्टी ना सूखे। मिट्टी सूखेगी तो इसके पत्ते कर्ल होके सूख के और पौधे को खराब कर देंगे। ये हमारा सितंबर लास्ट तक चलता रहेगा पौधा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसको हर 25 दिन बाद कोई लिक्विड फर्टिलाइजर देना अनिवार्य है, क्योंकि हम जितनी अच्छी इसमें खाद देंगे उतना अच्छा पौधा चलेगा। हम खाद नहीं भी देंगे तब भी हमारा पौधा चलेगा, लेकिन फ्लावरिंग की संख्या कम होगी, जो फूल देगा वो कम देगा, कलियां कम बनाएगा और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो कोशिश करिए आप 25 दिन बाद कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको देते रहिए। फर्टिलाइज़र बहुत पतला देना है। अगर आप सॉलिड खाद दे रहे हैं तो हर 25 दिन बाद थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ऊपर की मिट्टी को हटा करके हल्की सी उसके नीचे बिछा दीजिए गमले में, उसके ऊपर फिर से मिट्टी से कवर कर दीजिए। ये भी हमारा बहुत अच्छे से काम करता है, इसको हम रूट फिलिंग भी कहते हैं। अगर आप बीज बनाना चाहते हैं तो बीज कोशिश करिए लास्ट में बनाइए, जब ये पौधा की एज खत्म हो रही हो, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर हम बीज बनाएंगे तो हमारा पौधा नई ग्रोथ नहीं निकाल पाएगा, सारा ध्यान उसका बीज बनाने पे चला जाएगा।
पौधे में कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रकार के रोग लग जाते हैं या कलियां सूखती हैं, नई ग्रोथ नहीं आती है। तो जो कलियां आपकी सूख गई हों, पत्ते सूख गए हों, उनको आप हटा दीजिए। जो भी रोग लग रहे हों, आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए या किसी भी फंजीसाइड से आप स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि रोग अगर पौधे पे लगा है तो हमारा जो नया पौधा है वो तो खराब होगा ही, बाकी के और भी पौधों को खराब कर देगा। अगर स्प्रे करने के बावजूद भी आपका पौधा सही नहीं हो रहा है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसको अगर नहीं हटाएंगे तो सारे पौधे खराब हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये येलो कलर का बहुत खूबसूरत, मिट्टी को बहुत अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाइए ताकि जड़ें चारों तरफ से अच्छे से फैल पाएं। जितनी अच्छी जड़ों की ग्रोथ होती है उतना अच्छा पौधा जल पाता है। जब भी आप पानी दें, शाम के टाइम में दें और पौधे को पूरी तरीके से धूल दीजिए। हम पौधे के ऊपर सावरिंग करेंगे क्योंकि पौधे के ऊपर डस्ट नहीं रुकनी चाहिए। धूल मिट्टी अगर ऊपर आती है तो आप जरूर उसको हर रोज की रोज जब भी पानी दे तो पत्तों को उनको धुलते रहिए। पानी देने का एक समय निश्चित कर लें, उसी समय पानी दीजिए। कोशिश करिए कि सूर्य अस्त होने के बाद पानी दीजिए। शाम में पानी देने से पूरी रात हमारे पौधे को ठंडक मिलती है, इससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है। अगर हम दोपहर में पानी देते हैं, सुबह के टाइम देते हैं, तो वो हमारे पौधे के लिए उतनी फायदेमंद नहीं होती है। तो ये, और ये देखिए, मिट्टी जितनी अच्छी बनाएंगे आप उतना अच्छा आपका पौधा ग्रोथ करेगा। आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है तो हर 25 दिन के बाद आप 8 से 10 दाने इसमें DAP के डालिए, वो भी शाम में। शाम में DAP के कुछ दानों को ऊपर से मिट्टी के में बिखेर दीजिए और कुछ टाइम के बाद उसमें पानी दीजिए, या तो आप घोल करके भी इसमें दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पौधे में एक जाला जैसा रोग लग जाता है कि ऊपर की ओर से हमारे पौधे के ऊपर ऐसा जाला लगता है कि पूरे पौधे को वो कवर कर लेता है। तो ऐसे पौधों को आपको नहीं रखना है। अगर वो रहेगा तो बाकी के भी पौधों में जाले वाला रोग लग जाता है। तो ये देखिए, अगर आपने हमारा जीनिया का रिपोर्टिंग सीट की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के हमारी वीडियो को चेक कर सकते हैं। जी देखिए, तो हमारे पौधे लग गए हैं। अब इसमें हम बहुत अच्छे से पानी देंगे, पानी इतना देंगे कि नीचे से ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकलेगा। क्योंकि जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें अच्छे से पानी देना जरूरी होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसकी अगली वीडियो सदाबहार पे आने वाली है तो उसे भी देखिएगा। तो जीनिया के पौधे में पानी का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए, यही इसकी खासियत है। अगर मिट्टी सूख गई तो पौधा खराब हो जाएगा। मिट्टी को हमेशा नम रखना है, नमी हमेशा रहनी चाहिए ऊपर की लेयर। बाकी जैसे कि कभी कभी क्या होता है ऊपर की लेयर सूख जाती है, इसमें ऐसा नहीं करना है।
लेयर सूख जाएगी ऊपर की, तो हमारा पौधा मर जाएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय।